एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गया कि 150 सीढ़ियां हैं नीचे जाने की। सात बार बोलें वरना मेरा व्लॉग देख के एंजॉय करें। भाईजान स्टार्ट होने वाली है। शराज भाई कौन सी किश्ती में लेके जा रहे हो हमें? लाइफ जैकेट तो दे दो। अंदर ही है जी भाई। पकौड़े और समोसे पको। भाई शुरू हो गई है। गाइस क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग भाई। आज हम जा रहे हैं अपर कटोरा लेक। इसका कद्दू से वापसी का सफर है। तो मैंने प्लान ही कुछ ऐसे करा था कि वापसी में साथ घूमते घुमाते आगे जाता रहूँगा। तो अभी हम अपर कटोरा लेक जा रहे हैं। अपर कटोरा लेक के लिए मुझे वापस शिंगरीला रिजॉर्ट की तरफ आना है। तो ये शिंगरीला रिजॉर्ट का रास्ता, यहाँ से जैसे आप कराची से आ रहे होंगे इस्लामाबाद से, तो इस रोड से आप आएंगे, यहाँ से ये रंगीलियाँ आ रही हैं और इधर चले जाएंगे अंदर गली के अंदर। ये गली जा रही है शंगरीला रिजॉर्ट। ये गली नहीं, मेन रोड है, तो लोगों ने बहुत छोटी है। अपर कटोरा लेक यहाँ से जो है 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का रास्ता है और 14 मिनट में हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर चलें देखें रास्ता, एंजॉय करें। माशाल्लाह देखें जैसे कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है और ये रास्ता है कचूरा का। यार आबादी देखें कहाँ कहाँ है। सोच आप परेशान है कि यार आबादी कहाँ कहाँ है, अब आप बंदा कहाँ कहाँ रह रहा है। मगर ये पेप्सी भी हर जगह है। ये गंदम पहाड़ के ऊपर बुक बस ये जो है लास्ट डेज चल रहे, पक गई है। ये देखें गाय का बच्चा और अब ये तो वही मुंह वाला छोटे मुंह वाला और जबरदस्त ग्रीनरी है। ऊपर कपास भी बोई हुई है और गंदम भी बोई हुई है। जी जी आते आते वापसी में आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी कचोरा लेक पहुंच गए, अपर कचोरा। मगर सामने इधर पार्किंग है कर देंगे, मगर आपने सबसे एंड में आना है और यहाँ से अंदर 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 जंगल के अंदर से होते हुए चले जाना है। बता रहे हैं कि 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर में, थोड़ा चेक कर लेते हैं भाई कहाँ से रखता है। भाई आज है जुम्मे का दिन ना, तो मैंने ये शवार कमीज वेयर करी हुई है, नमाज पढ़नी है जुम्मे की। अब देखते हैं रास्ता कहाँ से जा रहा है। चलते रहो चलते रहो। भाई ये आपकी कचोरे का रास्ता, चलो भाई नीचे कचोरा रेख का रास्ता। कचोरा तो आपके लिए गाइडनेस के लिए लगाया है। कटाई हो चुकी है, पक चुकी है गंदम। आप मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल देखें बाहर पहाड़ों पे, बादल कैसे ऐसा लग रहा है जनरेट हो रहा है, फैक्ट्री लगी पड़ी है। उतर तो जाएंगे, चढ़ना मुश्किल होती है। नहीं कह रहा मैं, जनरल बात कर रहा हूँ मैं अपने। शराज भाई कौन सी किश्ती में लेके जा रहे हो हमें? स्पीड बोट में। कितनी स्पीड है इसकी? 4800 सीसी। अस्सलाम वालेकुम भाई, जेट लाइफ जैकेट तो दे दो, अंदर ही है। चलो भाई चले। हल्की हल्की जो है बूना पानी हो रही है, सिजलिंग। मौसम चेक कर भाई जान स्टार्ट होने वाली है। दो जो फ्रांस में बना सकेंगे बनाएंगे, और इस वाले मोबाइल से बनेगा।
ये टक्कर क्या हाल है आपके भाई? कहाँ है, आ गए हम हैं कचूरा पे? हम तो खाने आए और यहाँ का मंजर दिखाने आए, ठीक है भाई। इनका ये यहाँ पे क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? खादिम रिजॉर्ट, ये तो कुछ और ना, खादिम रिजॉर्ट। अच्छा, खादिम रिजॉर्ट का ये मेन्यू है भाई। तो माशाल्लाह इनके पास से मैं फ्राइज और पकोड़े मंगा लेता हूँ। ले आए जी फ्राइज और पकोड़े, ठीक है, अच्छे लाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पकोड़े और फ्राइज आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक आ गई और हम अब शुरू करने लगे हैं अपना असली मंजर और खूबसूरत वादी में बैठ के जबरदस्त मजेदार खा के टेस्ट करते हैं। पकोड़े देखने में बहुत मजेदार है, वाह तो आ रहा, ठंड भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चढ़ रही है, बादल देखे हम कैसे चल रहे हैं और ऊपर से ये मसालेदार पकौड़े, आ हा हा मजा आ गया भाई। ये था कटोरा लेक, अपर कटोरा लेक, जो कि कद्दू से तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर है। आपको मैंने रास्ता भी दिखाया किस तरह से आए है हाइट पे और कितना खूबसूरत मंजर है। देखें आप आए यहाँ सकून से इंजॉय करें, बैठें, रिलैक्स फील करें, पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज खाएं और बोट राइड, जेट सी सब कुछ है। बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। प्राइजेस थोड़े हाई हैं मगर इतनी जगह पे, इस जगह पे आके इतनी ऊपर हाइट पे सर्व करना भी एक बड़ा काम है। फिर भी थोड़ा सा नेगोशिएशन कराया करें, डिस्काउंट कराएं इनसे तो बात। इन्होंने जो मुझे जो 2000 रुपीज़ लिए हैं जो मैंने बोट राइड करी है ना, उसके कद्दू से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 15 से 20 मिनट की ड्राइव है, आराम से आएँ, रोड अच्छी है। एंड में जो सबसे एंड में पार्किंग हो ना उधर आइएगा, शुरू से लोग रोकने लग जाते हैं वहाँ नहीं, सिर्फ एंड में पार्किंग वहाँ से आएँ। सीधा मैं आपको नंबर दे दूँगा, इन भाई से ताबता कर लीजिएगा। इनका ये बेहतरीन रिजॉर्ट बना हुआ है, यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी खादिम भाई से, ठीक है। तो भाई उम्मीद है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नए जगह कहीं और नए कंटेंट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया कि 150 सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने की। अच्छा, जो उतर और चढ़ सकता है वो ही जाए, वरना मेरा व्लॉग देख के इंजॉय करें, ठीक है। तो भाई अल्लाह हाफिज़।